जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आप सीखा बहुत बहुत स्वागत है। एसईसीआर नागपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 861 सीटों पर 10 अप्रैल 2024 को अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 9 मई 2024 तक भरे गए थे। जिसका मैंने कहा था कि आपको 15 से 20 जून के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और फाइनली आज 21 जून है और आज इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। टोटल 861 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी और आपको यकीन नहीं होगा 4000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप आईटीआई संबंधित किसी टेक्निकल एग्जाम या रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे LP टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी की या बिहार बिजली विभाग का, तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर हमने दे रखा है, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों जाकर के चेकआउट कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं SECR के नागपुर डिवीजन के मेरिट लिस्ट के बारे में। 18 जून का मेरिट लिस्ट है जो आज ही जारी किया गया, मेल के माध्यम से कैंडिडेट्स को भेजा गया, जिसमें नागपुर डिवीजन और वर्कशॉप मोतीबाग SECR नागपुर के कैंडिडेट्स को के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 788 सीटों पर नागपुर डिवीजन के लिए और 73 सीटों पर वर्कशॉप मोतीबाग के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी, ठीक है। 9 मई तक इसके फॉर्म भरे गए थे। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, 157 पेज का मेरिट लिस्ट है, इसमें आपको चेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, काफ़ी बड़ी मेरिट लिस्ट है, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही बार में मतलब सर्च करके देख सकते हैं। ट्रेड वाइज आप देखिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन कोड, ट्रेड, यहाँ नाम, अब डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, कैटेगरी, जेंडर दिखाई देगा। अब अपने ट्रेड के अनुसार देख सकते हैं कि आपका इस ट्रेड में नाम है कि नहीं। अगर आपका इसमें नाम है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है इसमें नाम है। और देखिए जैसे कि है ना, 15 पेज तक फीटर है, तो 15 तक आपको देखना है। अगर आपका इसमें नाम है आपका, तो आपको क्या करना है कि आपका कैटेगरी और आपको यहाँ पर बता देना है कि आपका कितना परसेंटेज है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया है तो कैटेगरी और एवरेज परसेंटेज जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया 15 पेज में, मतलब टोटल 450 कैंडिडेट फीटर के हैं। उसी तरह से कारपेंटर के आप देखिएगा, यहाँ पे अपना मेरिट लिस्ट मिला लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा सर्च करने में, लेकिन आप इसमें आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, तो उस सभी का तो इसमें नाम है, लेकिन एक कैंडिडेट है होते हैं EWS, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, उनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता है, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट को डायरेक्ट जाना होता है, इसमें दिया गया है, DV का डेट दिया गया है, यहाँ पे बात कर लेंगे उनके भी बारे में। तो अगर जो भी कैंडिडेट फीटर नागपुर वाले में सिलेक्शन हुआ है या फीटर वर्कशॉप मोतीबाग में सिलेक्शन हुआ है, तो 24 जून को DV के लिए जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, आज से 3 दिन बाद ही है, नागपुर जाना है। 625 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फीटर में। 25 जून 2024 को जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन नागपुर में 550 कैंडिडेट हैं, जबकि इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप मोतीबाग नागपुर में 50 कैंडिडेट, टोटल 600 कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रीशियन में। और इलेक्ट्रीशियन नागपुर डिवीजन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो और भी है, यहाँ पर सीरियल नंबर है 551 से 925, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसी तक कोपा है, सभी अपना अपना डेट जरूर देख लीजिएगा, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको DV के लिए जाना है। यहाँ पर देखने के बाद ही जाइएगा, इसमें अपना नीचे कमेंट कर दिया कि आपको कितने तारीख को DV के लिए बुलाया गया, सीरियल से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर छूट जाएगा आपका DV। और ये मान लीजिए आपका DV 25 जून को है, ठीक है, और आप 25 जून को नहीं पहुँच पाते हैं, 1-2 दिन लेट हो जाता, तो चिंता मत करिएगा, 29 जून को या 1 जुलाई तक भी आप DV के लिए पहुँचिएगा, तो उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपका DV कर लेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स जो है EWS है, PWD कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने मोतीबाग वर्कशॉप में या नागपुर में के लिए अप्लाई किए थे, सभी जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएंगे। जाना कहाँ है उसको बता दें आपको, तो जाना देखिए है कहाँ, तो मंगल मंडप है, नियर SECR वर्कशॉप, मोतीबाग कडबी चौक, कंपटी रोड, नागपुर आपको जाना है। 10 से शाम 5 बजे तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज आपको लेकर चले जाने हैं। इसमें और भी जानकारी दी गई है, किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई उनको कोई कैंडिडेट जो है जिनका कट ऑफ मतलब मार्क्स कम था, उनका सिलेक्शन हो गया है, मेरा उससे अधिक मार्क्स था, मेरा नहीं हुआ है,
इस हालात में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 3 जुलाई के पहले आप थर्ड फ्लोर SSCR रेलवे किंग्सवे नागपुर आप जा करके आप वहां पर अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए तो ये PDF प्रिंट आउट कर लीजिए, ये पेज को 156 नंबर है, यहाँ DB का डेट, ट्रेड, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपने नागपुर के लिए या व्हाट्सअप के लिए मतलब मोतीबाग व्हाट्सअप के लिए किसके लिए अप्लाई किया उसको अप्लाई चेकआउट कर दीजिएगा। यहाँ नाम, पिता का नाम और अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, OBC है या SC है, ST है, EWS है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, SSC मतलब मैट्रिक का मार्कशीट्स, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, याद रखिएगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक सेट आपको जीरोक्स कॉपी भी लेकर जाना है दोस्तों, ठीक है। और ये घोषणा पत्र है इसको प्रिंट आउट करके इसमें साइन करके आपको वहाँ पर जमा करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण हेतु आप जो है इच्छुक हैं, आप वहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और भविष्य में ऐसा पाया जाता है कि अप्रेंटिसशिप यहाँ पे दिया गया है कि आप किसी भी संस्थान में किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण आप पहले से नहीं किए हुए स्थिति में आप घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब साइन कर रहे हैं। तो देख लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाइएगा। बाकी मेडिकल की बातें इसमें नहीं कही है कि आपको मेडिकल लेकर जाना है, मेडिकल की जानकारी ज्वाइनिंग के समय दी जाएगी कि आपको मेडिकल लेकर आना है, तो अभी आपके पास सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी को लेकर के जाना है दोस्तों। बाकी अपने तैयारी जारी रखें क्योंकि रेलवे ALP की सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहें लेकिन बढ़ा दी गई हैं जो आपके लिए है, बढ़िया है, बढ़िया बात है। तो तैयारी करिए दोस्तों, कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है, तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा। तो उसके लिए अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर हमने आपके लिए मटेरियल्स दिया हुआ है जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।